भारत का 2020 वर्ल्ड कप में शानदार जीत के बाद आज हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से ट्रॉफी घर वापस आई है। भारत के विश्व कप जीतने पर क्रिकेट फैंस में काफी खुशी है, वो भी एक बार हम आपको दिखाते हैं। 17 साल के बाद वो लम्हा जिसका इंतजार हर भारतीय कर रहा था, भारत के हाथों में 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। ये वो पल था जिसका इंतजार ना जाने कितने वक्त से कितने नम आंखों के साथ सब कर रहे थे, जिसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपना रिटायरमेंट भी T20 से दे दिया, जिसके बाद और लोगों के अंदर खुशी भी है गम भी है क्योंकि ये रोहित और विराट दोनों का आखिरी T20 था। खैर, ट्रॉफी हमारे पास है, ट्रॉफी भारत के पास है। साउथ अफ्रीका के विरुद्ध ये मैच था वेस्ट इंडीज में, जिसमें भारत ने अपनी जीत दर्ज की है। इस वक्त मौजूद हूँ रोहिणी में, आप अगर जरा मेरे पीछे देखेंगे तो ये दरअसल बच्चे नहीं, ये भारत का कल है। ये वो बच्चे हैं जिसमें कोई विराट, कोई सचिन, कोई द्रविड़, कोई रोहित है, क्योंकि यही बच्चे कल भारत का कल बनेंगे और इनको ही आप कल देखेंगे। हार्दिक पांड्या की बॉलिंग को लेकर क्या कहेंगे? मैम बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और मैम सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छी कैच ली। कौन सा कैच? मैम डेविड मिलर का। डेविड मिलर का कैच। अच्छा, आप बता दीजिए मैच देखा पूरा? यस मैम। कैसा रहा मैच? मैम बहुत अच्छा रहा था। सबसे अच्छा क्या रहा? मैम सबसे अच्छा जो विराट कोहली की बैटिंग थी वो हमें मुझे सबसे अच्छी लगी। अच्छा, आपको विराट की बैटिंग अच्छी लगी, सूर्य कुमार की कैच, हार्दिक की बॉलिंग? यस मैम, हार्दिक की बॉलिंग बहुत अच्छी है, मैम सूर्य कुमार का कैच ही बहुत अच्छा था, बाउंड्री से निकल कर वापस। देखिए छोटे छोटे बच्चों ने रात भर जगकर मैच देखा, इनको ये तक याद है कि बाउंड्री से निकल कर कैच लिया था। वो एक मोमेंट कौन सा था जब डर लग रहा था कि अब मैच हाथ से गया, हम जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं? 30 बॉल पे 30 रन, उस टाइम डर लग रहा था? यस सर। लगा था कि मैच गया? यस सर। फिर कम बैक कहाँ किया हमने? जब हार्दिक पांड्या ने विकेट ली। लास्ट के 3 ओवर को लेकर क्या कहेंगे? मैम लास्ट के 3 ओवर जो थे एकदम मैम सस्पेंस भरे थे, ऐसा लग रहा था कि मैच किसी भी बॉल पे पलट सकता है। निकल फिर हम लोग अपने एकदम मतलब जो इंडिया टीम ने पूरा अपना एफर्ट एकदम अच्छे से डाला, जिसमें हार्दिक की बॉलिंग और बुमराह की बॉलिंग, और जिसमें मेरे को ये लग रहा था 19th ओवर यहाँ तक कि हार्दिक पांड्या को मिलेगा और 20 ओवर हर्षदीप को। निकल ऐसा नहीं हुआ, रोहित की जो कैप्टेंसी है उसको बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस था। तो विश्व कप जीतने में मोहाली के हर्षदीप की अहम भूमिका रही है। भारत की तरफ से वो सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज रहे और फाइनल में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी। भारतीय क्रिकेट टीम T20 विश्व कप जीत चुकी है और इस जीत में मोहाली के खरड़ के अर्शदीप सिंह तेज बॉलर, उनका भी अहम योगदान रहा है। और टूर्नामेंट में अर्शदीप सिंह जो है अफगानिस्तान के खिलाड़ी के साथ जो है सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले गेंदबाज बने हैं। 17 विकेट भारतीय टीम के लिए अर्शदीप सिंह ने ली हैं और उनके साथ सिर्फ अफगानिस्तान के बॉलर जो हैं 17 विकेट लिए हैं। और ये अर्शदीप सिंह का घर है खरड़ में, मोहाली में, और इस वक्त घर पे कोई नहीं है क्योंकि परिवार जो है वर्ल्ड कप देखने के लिए, क्योंकि बेटा जो है विश्व कप टीम का जो है वो अहम खिलाड़ी है इसलिए विश्व कप देखने गए हैं, और परिवार जो है बाहर है इसलिए पड़ोसी जो हैं, पड़ोसियों से हम बात करेंगे, पड़ोसी भी खुश हैं क्योंकि भारतीय टीम विश्व कप जीती है। और खरड़ के अर्शदीप सिंह जो हैं वो भारतीय टीम की जीत में एक अहम कड़ी साबित हुए हैं। आप इमीडिएट पड़ोसी हैं इनके, जी इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, अर्शदीप की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है ना, क्या कहेंगे आप एज पड़ोसी जो है अर्शदीप सिंह की परफॉर्मेंस को? अच्छा खेलता है जी लड़का, बहुत आगे जाएगा जी, हम तो सोचते आगे कैप्टन भी बनेगा इंडिया आगे जाके। हाँ जी, आपने अर्शदीप को बचपन से बड़ा होते देखा होगा कि क्रिकेट के लिए कितनी जील अर्शदीप सिंह ने रही है। अच्छा है, मेहनती लड़का है, मेहनत करता है, आप भी कर रहा है बहुत ज़्यादा जी। हाँ जी, बहुत आगे जाएगा जी, हमारी दुआएं साथ हैं। विषय कैसे देख रहे हैं अर्शदीप? विषय तो हम सोचते हैं कैप्टन बनेगा इंडिया का आगे जाके, हमारी दुआ। तो हम आपको ये भी बता दें कि जो टीम विश्व विजेता बनी है इस जीत के हीरो अर्शदीप रहे हैं। 8 मैचों में उन्होंने 17 विकेट लिए। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में अर्शदीप के गेंदबाजी कोच जसवंत राय ने उनके बारे में अहम जानकारी दी है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। T20 विश्व कप में भारत विश्व विजेता बना है और हालांकि ये टीम का खेल है और हर खिलाड़ी ने कंट्रीब्यूट जो है इसमें किया है जीत में, और अर्शदीप सिंह भारतीय
तेज गेंदबाज जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन भी महत्वपूर्ण रहा है। अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी के साथ अर्शदीप सिंह टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, 17 विकेट जो है भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने लिए हैं। हमारे साथ अर्शदीप सिंह के कोच हैं जसवंत राय हैं, उनसे अर्शदीप सिंह की जर्नी के बारे में जान लेते हैं और मैच और टूर्नामेंट के दौरान क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा था, क्या क्या बातें अर्शदीप से टूर्नामेंट के दौरान हुई हैं वो भी कर लेते हैं। जसवंत जी, पहले तो कल जब मैच देख रहे थे 19वां ओवर जब था, है ना, तो आपके दिमाग में चला क्या था कि ये 19वां ओवर है, अर्शदीप सिंह इसको कैसे जो है डालेगा? 19वां ओवर जब अर्श को दिया गया था तो मैं बहुत टेंस में था, क्योंकि वहाँ पे रन कम रह गए थे, तो मैं हर बॉल पे ये सोच रहा था कि या डॉट हो जाए या आउट हो जाए, डॉट हो जाए आउट हो जाए। तो 19वां ओवर उसने बहुत काम और कूल रह के ओवर डाला और अच्छा ओवर डाला। मैं बहुत खुश हूँ कि उसने 19वें ओवर में फिर 16 रन बचा के दिए हार्दिक को डिफेंड करने के लिए। T20 में बॉलिंग जो है ना बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ा चैलेंजिंग है बॉलर्स के लिए T20 में जो है सर्वाइव करना, तो जो अर्शदीप की मेंटल कंडीशनिंग है वो कैसे हुई है, आप थोड़ा सा अगर बताएंगे, क्योंकि IPL में भी हमने देखा अर्शदीप की मेंटल कंडीशनिंग के थोड़े बारे में थोड़ा बताएंगे। देखो, मेंटली वो बहुत टफ रहा है और वो एक तो काम और कूल रहता है, इतना फास्ट बॉलर में एग्रेशन उसमें अंदर तो एग्रेशन है, उसको शुरू से ये सिखाया कि अंदर ही रखना एग्रेशन, बाहर नहीं रखना एग्रेशन। कई बार बिगड़ लेता है तो वो काम ही रहता है, कूल रहता है, बस हाथ खड़े करेगा चले जाता है, तो मेंटली बहुत टफ है। वो धार्मिक है, एक तो धार्मिक ख्यालों वाला है वो बहुत ज़्यादा। आने वाला टाइम कैसे देख रहे हैं आप अर्शदीप का, क्योंकि एज उसकी साइड है, अभी अर्शदीप की साइड है, कम उम्र है ना, तो आने वाला टाइम कैसे देख रहे हैं आप अर्शदीप का एज ए बॉलर? देखो, अभी तो वो यंग बॉलरों में आता है, 26 ईयर्स ओल्ड है, तो अभी मुझे लगता है कि वो और सेवा कर सकते हैं हिंदुस्तान की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।